क्या आपको पता है कि 2 मिनट में भी इससे अच्छे से घर पे आप मावा बना सकते हैं, जिसको आप खोया भी बोल सकते हैं। और ये जो खोया है वो बहुत सारे स्वीट डिश में और बहुत सारे डेजर्ट में यूज होता है, और इसको बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ये घर पे ही 2 मिनट में तैयार हो जाता है। तो क्या आपको भी ये सीखना है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैंने यहाँ पे लिया है एक नॉन स्टिक पैन, जिसमें हम डाल देंगे 1/2 कप भर के फुल फैट मिल्क। उसके बाद हम डाल देंगे उसमें 1 बड़ा चम्मच जितना घी, जो मावे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तब इसको स्टर कर देंगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं इससे बबल्स आना स्टार्ट हो जाए। फिर हम डाल देंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर को डालने के बाद एक विस्कर से इसको मिक्स कर लिया है, ताकि इसके जो गट्ठे हैं वो ख़त्म हो जाए और मावा अच्छे से सॉफ्ट तैयार हो। ऐसे हमने सारा मिल्क पाउडर को मिला दिया है। अब इसको हम स्पैचुला की मदद से इसे प्रेस करते हुए हिलाते रहेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 ही मिनट इसको पकाना है, तब तक हमारा मावा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन का यूज़ किया है, ताकि हमारा जो मावा बने वो तले पे चिपक ना जाए। ऐसे इसको हिलाते हुए गैस की फ्लेम को थोड़ा फास्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये गाढ़ा हो रहा है। इसको हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, कि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो आपको बस उसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है। आप देख सकते हैं कि ये तवे से अलग हो रहा है, और इसमें मिल्क का जो हमने दूध डाला था वो भी गायब हो रहा है। तो बस इतना ही पकाना है। तो हमारा ये इंस्टेंट वाला मावा बनके रेडी है। आप इसको फ्रीज में 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। देखिए, तो ये रेडी हमारा 2 मिनट वाला मावा। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं।